सामक और आलू के रोल बनाने के लिए हम यहाँ पर चाहिएंगे 2 बॉयल्ड आलू, इन्हें हमने घिस लिया है, आपको इनको ऐसे घिस लेना है, और 2 चम्मच सामक के चावल का आटा। अब डालेंगे इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर डालेंगे कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च, इन्हें आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया इसमें, अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको सामक के चावल का आटा बाज़ार में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप घर में भी पीस सकते हैं। अब यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, अब इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा डो सेट हो गया है, हाथ में आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, इसके अब हम रोल बना लेंगे। आप व्रत में से चाय के साथ बना के खा सकते हैं स्नैक्स को, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये सामक के चावल और आलू के रोल। ऐसे हम सारे रोल बना लेंगे, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब एक एक करके इनको हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे आप इनको तल लीजिएगा, और जब ये थोड़े से सीख जाएं तो आप इनको पलट पलट के अच्छा सा करारा सा सेक लीजिएगा। सामक के चावल का इसमें बहुत करारापन आता है, आप गरम गरम इसे सर्व कीजिए धनिया की चटनी के साथ, दही के साथ, देखिए कितने जल्दी हमारे ये सामक के चावल के रोल बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी बनाइए, हमें बताइए आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी।